वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 8 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको तीन इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसकी मदद से आपको कोई एक नेशनल पार्क चूज करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये भारत और म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिचुएटेड है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर बिग कैट की, या जो आप फेलीन स्पीसी बोल सकते हैं, बिल्ली की जैसी जो एक स्पीसीज होती है बिग कैट, उसकी चार प्रजातियां यहां पर एक साथ पाई जाती हैं। दुनिया के किसी भी पार्क में ये चार प्रजातियां एक साथ नहीं पाई जाती। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि हुलॉक गिबन्स, जो कि भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐप स्पीसीज है, वो इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, अपना ऑप्शन चूज करिए। आपके पास ऑप्शंस हैं नॉर्क्रेक नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क या फिर ओरंग नेशनल पार्क। अगर आप अपना आंसर आइडेंटिफाई कर चुके हों तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं सी, यानी कि नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया का स्टेट है, वहाँ पर सिचुएटेड है और ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर चारों बिग कैट की स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी कि टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, लियोपर्ड, पैंथेरा पार्डस, स्नो लेपर्ड, पैंथेरा अंसिया और क्लाउडेड लेपर्ड, नियोफेलिस नेबुलोसा। ये नाम याद ना रहे तो आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी के नाम आपको पता हों तो बेहतर रहेगा। बाकी हॉलक गिबन्स के बारे में जो हमने कहा वो भी सही है। ये दाफाबम और जो मिशमे हिल्स हैं और पटकाई रेंज है उसके बीच में आपको मिलेगा। यहाँ से एक नोवा दिहिंग रिवर गुजरती है जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं नामदफा नेशनल पार्क को, और ये जो रिवर है इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी रिवर का नाम नोवा दिहिंग है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो अभ्यास और सम्मोहन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि ये किस स्कीम के कॉम्पोनेंट हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है स्टार्टअप ग्रांट फॉर यंग साइंटिस्ट, दूसरा एम्पावरमेंट एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलेंस इन साइंस, तीसरा स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट और चौथा एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। तो आपने पढ़ा होगा तो आप इसे बता पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें कुछ गेस लगा सकें। वैसे आपने न्यूज़ में इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो सही ऑप्शन है दैट इज़ डी, ये दो के दोनों एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के कॉम्पोनेंट हैं। अभी हाल ही में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया। हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इसके दो कंपोनेंट हैं अभ्यास और सम्मोहन। अभ्यास का उद्देश्य रिसर्च स्किल को डेवलप करना है पीजी और पीएचडी स्टूडेंट में हर डिसिप्लिन में। इसके भी दो कंपोनेंट हैं, कार्यशाला और वृत्तिका। दूसरा है सम्मोहन, इसका उद्देश्य जो साइंटिफिक इंटरेक्शंस हैं उसे एक जगह पर इकट्ठा करना है। इसके भी दो कंपोनेंट हैं, संयोजिका और संगोष्ठी। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में है। तीन स्टेटमेंट यहाँ पर आपके लिए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये वाजा का एक अफिलिएटेड मेंबर है। वाजा स्टैंड फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। दूसरा ये है कि एक स्टैचुरी बॉडी है जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, इसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। तीसरा ये है कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, 10 मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस लिहाज से आपको सही जवाब सी मिलेगा, दैट विल बी 1 एंड 3 ओनली। अभी दूसरा क्यों इनकरेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, ना कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी किस इंस्टीट्यूट या किस एक्ट के तहत बनाई जा रही है, स्पेशली तब जब वो न्यूज़ में है। ठीक है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, 1992 में बनी थी, वाजा का मेंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ये जू को रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं अगर किसी एनिमल को एक जू से दूसरे जू में ले जाना है तो। कंपोजिशन वही 10 मेंबर और मेंबर सेक्रेटरीज। ठीक है, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है जिसे 1984 में अडॉप्ट किया गया।
दूसरा ये बोलता है कि जिसमें एक कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर होती है जो कि ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स की एक बॉडी होती है, स्टेट पार्टीज कन्वेंशन को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग का काम इसी कमेटी का होता है जिसका नाम कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यह हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही, दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी दो, एक फादर एंड सन को जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर किया गया जिसके बाद उनकी मौत हो गई, तो इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा आया और लोग अब ऐसी मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को रेटिफाई कर दिया जाए। जो भी देश इस एक्ट को रेटिफाई करता है उसे टॉर्चर के अगेंस्ट में कुछ लॉज बनाने होते हैं। इसे 1984 में अडॉप्ट किया गया, उद्देश्य यही है कि क्रूअल इनह्यूमन जो कंडीशंस हैं पनिशमेंट के दौरान जो टॉर्चर किया जाता है उसे रोका जा सके। जो भी स्टेट इस कन्वेंशन को साइन करता है उसे इस लिहाज से कानून बनाने होते हैं, कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर इसकी बॉडी है जो ओवरसी करती है। इंडिया ने इसे 1997 में साइन तो कर दिया था लेकिन हमने पाकिस्तान और चाइना की तरह ही इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो अस्त्र मिसाइल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि हर प्रकार के वेदर में इस्तेमाल की जा सकती है, इसके अंदर नाइट कैपेबिलिटी भी है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे कोलैबोरेटली डेवलप किया गया इंडिया और फ्रांस के द्वारा और 50 और पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें अपनी हेल्प करी। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अस्त्र मिसाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इसमें फ्रांस का कोई रोल नहीं है। ये जो यहाँ पर मिसाइल है इसे इंडिजीनियसली इंडिया ने डेवलप किया है, DRDO ने इसे डेवलप किया है और यहाँ पर बाकी के जो 50 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ने ही अपना रोल प्ले किया। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये है कि ये किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकती है एयर टू एयर में जो उसको दिख भी नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी रेंज देखेंगे तो 70 किलोमीटर्स की है। यू कैन अंडरस्टैंड कि 70 किलोमीटर दूर किसी टारगेट को आप हवा में देख तो नहीं सकते, तो मतलब रडार और जो बाकी के सेंसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मदद से टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये 5555 यानी कि 5555 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाके अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। जो टारगेट हिट होगा उसे भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि उसके ऊपर मिसाइल कहाँ से आ रही है और जिसे ये हिट कर रहे होते हैं उसे भी ये देख नहीं पाते हैं। तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकती है। ऑल वेदर में इसे यूज़ किया जा सकता है और नाइट कैपेबिलिटी भी इसके पास है। जो अगला क्वेश्चन है वो रणबीर सिंह कमेटी के बारे में है, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। इसे किस लिए कंस्टिट्यूट किया गया है ये आपसे पूछा गया है। आपके पास पहला ऑप्शन है एमएसएमई सेक्टर के लिए, दूसरा क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए, तीसरा जो हैंडलूम सेक्टर है उसे सपोर्ट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और चौथा एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। तो बताइए रणबीर सिंह कमेटी किस लिए बनाई गई है, आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब बी है, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म के लिए। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने जो वाइस चांसलर हैं रणबीर सिंह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो पीएम स्वनिधि पोर्टल के बारे में है। ये जो पोर्टल है पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इंटीग्रेटेड इन टू इंड आईटी इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करवाएगा, और दूसरा ये है कि इसे नाबार्ड ने डेवलप किया है और वही इसकी इम्प्लीमेंटिंग उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी हैं ये। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए स्वनिधि पोर्टल के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो हो सकता है कि आपको याद भी आ गया हो। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है लेकिन दूसरा गलत है, इस लिहाज से जो आपका आंसर होगा दैट विल बी ए, ओनली वन इज करेक्ट। दूसरा इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसे सिडबी ने डेवलप किया है और वही इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया, डेवलप सिडबी ने किया है, लॉन्च इन्होंने किया। ठीक है, पोर्टल वही इन टू एंड आईटी इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। एक्चुअली में इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 10,000 तक का लोन अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो कॉमन सर्विस सेंटर, अर्बन लोकल बॉडीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसके बाद उन्हें लोन मिल जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो स्टार्स के बारे में है। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी को और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है 6 इंडियन स्टेट्स में। ये प्रोजेक्ट किसका है आपसे पूछा गया है, यूनेस्को का है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है, वर्ल्ड बैंक का है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, बताइए ये प्रोजेक्ट किसका है। सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक का है,
यहाँ पर जो 6 स्टेट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। समग्र शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। इसका फुल फॉर्म है स्टार्स का स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव है उसे ये सपोर्ट करेगा और लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, रेमिडिएशन, इन सभी को ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगला प्रश्न मैपिंग पर है। आपको यूरोप की रिवर्स तैयार करनी थी। पहला स्टेट में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि राइन रिवर किन देशों से फ्लो करती है। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, हंगरी, क्रोशिया पहला, दूसरा जर्मनी, हंगरी, क्रोशिया, इटली, तीसरा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और चौथा इटली, स्लोवेकिया, जर्मनी और फ्रांस। आपने मैपिंग का पार्ट रिवाइज किया है, पढ़ा है, तो आप अपना आंसर चूज कर चुके होंगे। जो सही जवाब है दैट इज सी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स। वैसे इसके अतिरिक्त देखिए ये 6 देशों से होकर गुजरती है, स्विट्जरलैंड, लाइकेंस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स। उसके बाद ये रोटरडम में जाके नॉर्थ सी में गिर जाती है। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जर्मनी में इसे रेन, फ्रांस में राइन और नीदरलैंड्स में रिज या फिर रिन इस नाम से पुकारा जाता है। जो अगला प्रश्न है वो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं दो रिवर्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की और ये यूरोप की लार्जेस्ट रिवर भी है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज बेसिन। दूसरा यह है कि जो डेन्यूब रिवर है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दो के दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। जो वोल्गा रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका कैचमेंट एरिया 13,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज बेसिन के सिस्टम के आप आधार पर कह सकते हैं या उस परस्पेक्टिव से। ये सेंट्रल रशिया से फ्लो करती है और कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। रशिया की नेशनल रिवर भी इसे कहा जाता है। रशिया की जो 12 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनमें से 11 इसके किनारे आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग कैपिटल मॉस्को। इसके ड्रेनेज बेसिन में सीधे सीधे मिलेंगी। डेन्यूब रिवर यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा के बाद और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रीजन जो वेस्टर्न जर्मनी का है वहीं से ये निकलती हैं और फाइनली ब्लैक सी में चली जाती हैं। 10 कंट्रीज से होकर ये गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मालदोवा और यूक्रेन, ठीक है। ये मैप है जहां पर आपको डेन्यूब रिवर को दिखाया गया है। कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस पे। आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं जहां पर आपको टारगेटेड वे में प्रिपेयर करवाया जाएगा। पीएसआईआर सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको यूरोप के माउंटेन्स कवर करने हैं। अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।